मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूं और आज मैं बात करने वाली हूं कि शनिवार के दिन आपको क्या उपाय करना है जिससे शनिवार की सुबह होते ही आप पर शनिदेव की कृपा हो जाए और आपका भाग्य उदय हो जाए। तो शनिवार के दिन, प्रत्येक शनिवार भी आप ये उपाय कर सकते हैं शनिदेव की विशेष कृपा के लिए। और आज शनिवार है तो आज ही आप ये उपाय शुरू कर दीजिए। और किन तीन राशियों का जो भाग्य है वो शनिदेव चमका सकते हैं और जो विशेष प्राप्ति चाहते हैं वो सभी राशियां भी ये उपाय, वो बाकी नौ राशियां भी ये उपाय ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का जो भाग्य है वो सुबह उठते ही कैसे चमकने वाला है, जो उपाय है वो मैं आपको अंत में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप कुछ नया करके दिखा सकते हैं। आपके मन में कुछ ऐसे नए विचार उत्पन्न हो सकते हैं जिससे आपका मन हर समय व्याकुल रहेगा। कुछ कर दिखाने का जो जज्बा है वो आपके अंदर उत्पन्न होगा और जो शनि देव की कृपा दृष्टि है वो आपके ऊपर बरसेगी और जो दुख है वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ लेना देना आपको किसी से करना है, किसी से पैसे का लेन देन करना है, तो उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है, वो आप कर सकते हैं। और शनि देव की कृपा से आपको कुछ अचानक कोई खुशी मिल सकती है, कुछ ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जिसकी वजह से जो आपकी करियर है उसे नई दिशा की प्राप्ति भी हो सकती है। शनि देव की कृपा से आपकी जो आर्थिक दृष्टि है, आपकी आर्थिक जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, जो आर्थिक मजबूती है वो आपके अंदर आ जाएगी। अगली राशि की बात करें तो वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए दिन नई नई खुशियां लेकर आने वाला है और आपका जीवन नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। आप खुद सब कार्य को करने में सफल होंगे, कोई भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता की ही प्राप्ति होगी। करियर संबंधित आपको कुछ नए अवसरों की कल से प्राप्ति हो सकती है। कुछ आपको अगर आप मैं अभी आपको एक उपाय बताऊंगी लास्ट में, वो उपाय आपको भी करना है। अगर आप करेंगे वो उपाय तो एक शनिवार को अगर वो उपाय करते हैं तो अगले शनिवार तक अगर आपकी कोई भी समस्या है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। आपके जो सभी कार्य हैं वो संपन्न होते हुए नज़र आएंगे, चाहे वो करियर को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, परिवार को लेकर है या फिर संतान को लेकर है। कोई भी जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं वो दूर होने शुरू हो जाएंगी। जो अगली राशि है जिनका शनिवार को भाग्य चमक सकता है वो है मीन राशि। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति मिलने के योग बन सकते हैं और लाभ के अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपका जो प्यार है वो बढ़ सकता है और नौकरी वाले लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी की भी प्राप्ति हो सकती है। धन लाभ के अच्छे संयोग आपके लिए बन रहे हैं, कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और कोई आकस्मिक धन लाभ भी आपको हो सकता है। तो ये वो तीन राशियां थी जिनको विशेष प्राप्ति हो सकती है, जिनका भाग्य जो है वो शनिवार को चमक सकता है। अब बात करते हैं कि उपाय आपको क्या करना है। उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं शनि देव की विशेष कृपा पाने के लिए। और अगर आप एक शनिवार ये उपाय करेंगे तो आने वाले शनिवार तक आपको खुद महसूस होगा कि जो आपकी समस्याएं हैं वो खत्म हो रही हैं या फिर जिस वजह से आप ये उपाय करेंगे वो वजह आपकी जो समस्या है तो दूर हो जाएगी। तो आज आइए बात करते हैं उस उपाय के बारे में। आपको दो उपाय बताऊंगी, जो भी आपको पॉसिबल हो अपने समय के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से वो आप उपाय ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। दान करने से सबसे ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और जो शनिवार को दान किया जाता है वो हमारी जो कष्ट है, हमारी जो बाधाएं हैं, हमारी समस्याएं हैं उसे दूर करता है।
इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार काले तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहे के बर्तन, उड़द की दाल का दान करें। इनमें से कोई भी दो चीज़ों का दान आप कर सकते हैं और शनि देव प्रसन्न होकर आपको शुभ फल देते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी बाधाएं हैं, वो दूर हो जाएंगी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना है। साथ ही आपको क्या करना है कि प्रत्येक शनिवार को काले तिल, आटा, शक्कर लेकर इन तीनों चीज़ों को मिला लें। उसके बाद उसका जो मिश्रण होगा वो हर शनिवार को जहाँ चींटियाँ हों वहाँ पर आप डाल दें। प्रत्येक शनिवार को आपको ये करना है, अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप लेना चाहते हैं या फिर जितना भी आपको समझ में आता है उस चीज़ को इक्वल मिश्रण लेके आप उसे मिला लें और जहाँ पर चींटियाँ हों इसे वहाँ पर डाल कर आएँ। ऐसा करने से आपकी जो समस्याएं हैं, किसी भी तरीके की कोई समस्या है, वो दूर हो जाएगी। तो ये था उपाय और वो थी वो राशियां जिनका भाग्य शनिवार के दिन यानी कि आज के दिन चमक सकता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।